द पुली, पुली मीन्स रोटेटिंग व्हील, पुली मीन्स रोटेटिंग व्हील, ठीक है। गांव में कुएं पर, कुएं के आसपास तुमने ये एक रोटेटिंग व्हील देखा होगा जिसकी मदद से लोग कुएं से पानी बाहर खींचते हैं। और भी जगह देखा होगा, मतलब सिटीज़ में भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में व्हील्स बहुत यूज़ होते हैं, रोटेटिंग व्हील्स। तो रोटेटिंग व्हील को कहते हैं द पुली। पुली कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने में काम आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ही समझाने के लिए एक व्हील बनाया है और ये रोप बनाई है, रस्सी, ठीक है। तो रस्सी को एक साइड से खींचेंगे तो अदर साइड से वो ऊपर की तरफ मूव होगी, और उसको यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो वो साइड वो नीचे जाएगी। तो गांव में मोस्टली लोग, विलेजेस में मोस्टली लोग वेल से वाटर निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं, गांव में कुएं से पानी निकालने, पुली। ऑथर कौन है पोयम के? जॉर्ज हेबर्ट। पोएट कौन है? जॉर्ज हेबर्ट। 1593 to 1633 was a Welsh poet. कहाँ से ये? Welsh मतलब वेल्स नाम की कंट्री, इंग्लैंड के पास, ब्रिटिश इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेल्स, ठीक है। तो जिसका नाम है वेल्स, कंट्री का नाम वेल्स है, वहाँ के लोगों को वेल्स कहा जाता है, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है ना। बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेशी कहा जाता है, श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन कहा जाता है, वैसे ही वेल्स के लोगों को क्या कहा जाता है? वेल्स, ठीक है। वहाँ का लैंग्वेज ही है वेल्स। जैसे इंग्लैंड वाले लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है, तो इंग्लैंड के पास एक एक कंट्री है, एक टाउन टाइप, उसे कहते हैं, वो कंट्री का नाम है वेल्स, WLS, वहाँ के लोगों को वेल्स, ठीक है। तो वेल्स पोएट है। ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो क्या है? सो वेल्स पोएट है मीन्स ही बिलोंग्स टू वेल्स कंट्री। वो प्रीस्ट है प्रोफेशन से, प्रीस्ट मतलब चर्च में जो जो चर्च में पुजारी होते हैं या चर्च में जो हेड पर्सन रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रीस्ट, ठीक है। चर्च में जो रिचुअल्स करते हैं, दो वर्शिप्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्रीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, ही रोट रिलीजियस पोएम विद अ लॉट ऑफ इमेजिनरी एंड कॉन्सिट। उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी, उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पोएम लिखी है। देखो प्रीस्ट में, चर्च में प्रीस्ट है मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस में हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पोएम लिखी है इमेजरी के साथ, मतलब इमेजिनेशन और पिक्चर इमेज के साथ। एंड कॉन्सिट्स मतलब कंपैरिजन, मैंने यहाँ लिखा है CUMPARISON, कंपैरिजन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पोएम लिखी है इमेजरी और कंपैरिजन के साथ, ठीक है। द पोएम एग्जिबिट अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर। पोयम बताती है अजीब सा, द पोयम एग्जिबिट मीन शोज, अलग सा, अजीब सा, स्ट्रेंज, लेकिन दो तरीके का, दो तरफा, वन वे नहीं, टू वे, दो तरफा रिलेशनशिप बताती है बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिवर, भगवान, गॉड, ठीक है, और उसके वर्शिवर, पूजा करने वाले, गॉड और उसके मानने वाले, गॉड और उसको पूजने वाले, ठीक है। ये पोयम एक अलग सा रिलेशनशिप बताती है, और वो दो साइडेड है, टू साइडेड रिलेशनशिप, किसके बीच में? गॉड और वर्शिपर के बीच में, अल्लाह और उसके बंदे के बीच में, ठीक है। दो ही हैज शावर्ड बिस्टाउड हिज वर्शिपर विथ ऑल ब्लेसिंग, समवेयर ही होल्ड देम अप विथ अ पुली ड्रॉन टू अ ग्रेटफुल टू हिम सॉरी पुली ड्रॉन टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल एंडिवर्स। देखो गॉड ने इधर लिखा है, पोयम का कुछ थोड़ा कंक्लूजन टाइप दिया है, गॉड ने अपने श्रद्धालु बंदा, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, हिंदी में श्रद्धालु बोलेंगे, उर्दू में बंदा बोलेंगे, इंग्लिश में वर्शिपर बोलेंगे, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे जो पूजा पाठ कर रहा है वो, ठीक है। तो उसने अपने बंदे पर सारी ब्लेसिंग्स डाली है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक को पुल करके रखा है, सारी ब्लेसिंग्स अपने बंदे पर डाली है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रोक कर रखा है ताकि वो ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे गॉड को, इन ऑल आर एंडिवर्स, जितने उसके जो भी हार्ट ट्राई में, एंडिवर्स मतलब हार्ट ट्राई, ठीक है। गॉड ने अपने बंदे पर सारी
अपने बंदे पर सारी ब्लेसिंग्स बरसाई है, मतलब अपने बंदे पर बहुत सारी कृपा की है, बहुत सारा आशीर्वाद डाला है, बहुत सारी मेहरबानियाँ की है अपने बंदे पर, अपनी पूजा करने वाले पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कुछ होल्ड करके रखा है। गॉड ने कहीं ना कहीं कुछ पुली में रखा है। पुली मतलब होल्ड करके रखना, ठीक है, पकड़ के रखना, टू बी ग्रेटफुल, ताकि वो उस गॉड को ग्रेटफुल रहे अपने सारे एंडिवर्स में, ठीक है, अपने सारे हार्डवर्क में। आई होप समझ रहा है। नेक्स्ट, गॉड गिव सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट टू द डिवोटी। गॉड अपने श्रद्धालुओं को, अपने बंदे को बहुत सारे कीमती तोहफे देता है, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्टेड समथिंग इन रिटर्न। गॉड ने अपने बंदों को बहुत सारे कीमती तोहफे दिए, लेकिन वही टाइम पर गॉड को भी कुछ रिटर्न में चाहिए। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? गॉड को क्या चाहिए? गॉड के एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाई डज ही विथहोल्ड? उसने क्यों रोक के रखा है? ठीक है, ये पोयम में हम लोग पढ़ने वाले कि गॉड ने अपने बंदे पर बहुत सारी नियामतें, बहुत सारी वरदान दिए हैं, लेकिन कुछ गॉड ने रोक के भी रखे हैं। ठीक है, कुछ गॉड ने एक वरदान रोक के रखा है, वो क्यों? क्यों गॉड? और गॉड बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? व्हाई डज ही विथहोल्ड? उसने क्यों रोक के रखा है? नेक्स्ट, द पुली, ये पोयम द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। ये पोयम जब पुली में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि गॉड अपने बंदे को अपनी तरफ कैसे खींचता है रेस्टलेसनेस से। रेस्टलेसनेस मतलब सुकून नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन। रेस्टलेसनेस मतलब डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब सुकून नहीं है, चैन सुकून नहीं है, उसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस, नहीं है। रेस्टली मतलब चैन सुकून के साथ, रेस्टलेसनेस मतलब चैन सुकून नहीं है। ठीक है, वॉट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोयम इज दैट रिलीजियन नोटेशन इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। और इसमें मेटाफिजिकल बात क्या है? इसमें एक अलग सी, डिस्टिंक्टली अलग सी मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल फिलोसफिकल साइंस है, ठीक है, विच डील्स विथ, जो मेटाफिजिकल साइंस उसको कहते हैं जो नेचर और साइंस में रिलेशन बताता है, कुदरत, गॉड के नेचर की, गॉड ने जो नेचर क्रिएट किया उसमें और साइंस में जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो फिलोसफी को कहते हैं वो मेटाफिजिकल, वो फिलोसफिकल साइंस को कहते हैं मेटाफिजिकल। ऑलराइट, समझा? तो पूरे इंट्रोडक्शन में हमने देखा पोएट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वेल्स नाम की कंट्री से, तो वो वेल्स पोएट है। ठीक है, वो एक प्रीस्ट है प्रोफेशन से और उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पोएम्स लिखी है। उनकी पोएम ज़्यादातर इमेजरी और कॉन्सेट्स रहती है। कॉन्सेट्स मतलब कंपैरिजन वाली, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन को हिंदी में बोलेंगे दो लोग बराबरी करना। ठीक है, दो लोगों के बीच में समानता है और क्या असमानता है ढूंढना। द पोयम एग्जिबिट ए स्ट्रेंज, पोयम दिखाता है एक अजीब सा, स्ट्रेंज, अलग सा, लेकिन दो तरफा रिलेशनशिप। ठीक है, जो गॉड और उसके बंदे के बीच में है, जो गॉड यानी भगवान अल्लाह और उसके वर्शिपर, बंदा, श्रद्धालु, ठीक है, डिवोटी, उसके बीच में। ठीक है, देखो, गॉड ने अपने ऊपर वाले ने, भगवान ने अपने बंदे पर, अपने वर्शिपर पर, अपने जो पूजने वाले हैं उसके ऊपर सारी नियामतें डाली है, उसके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स यानी नियामतें यानी सारी कृपा आशीर्वाद डाला है। समवेयर ही होल्ड्स देम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रोक के रखा है पुली से। ठीक है, मतलब पकड़ के रखना, होल्ड, पुली से खींचना, टू बी ग्रेटफुल, ताकि बंदा गॉड को भूले नहीं और गॉड्स को ग्रेटफुल रहे। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल रहे। टू हिम इन ऑल एंडिवर्स, एंडिवर्स मतलब हार्ड ट्राई, हर हर कोशिश में गॉड को थैंक्स बोले बंदा। इसके लिए गॉड ने कुछ होल्ड करके रखा है, वो क्या होल्ड किया है वो सब पोयम में आएगा आगे। ठीक है, देखो, फिर वही लिखा है, गॉड ने अपने बंदे को बहुत सारे कीमती तोहफे दिए। ठीक है, बट सेम टाइम पे गॉड भी बंदे से कुछ एक्सपेक्ट करता है। गॉड क्या एक्सपेक्ट करता है और क्यों उसने एक एक चीज़ रोक के रखी, मतलब क्यों उसने एक गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा है, सर गॉड ने क्या गिफ्ट दिया, मुझे तो आज तक मिला नहीं। तो मैं बोलूँगा, गॉड ने नॉर्मल आइज दी, तुम देख सकते हो, गॉड ने दो नॉर्मल हैंड्स दिए और दो पैर दिए, है ना, और तुम नॉर्मली बोल सकते हो, तुम रीड कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, ये सारी गॉड गिफ्ट से, ये सारे गॉड गिफ्ट से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो
हैंडीकैप है, जो डिजेबल्ड है, जिनके अंदर कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, तुम ये नॉर्मल इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो, नॉर्मल इंग्लिश रीड कर रहे हो, क्योंकि गॉड ने तुम पे गिफ्ट किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जो बेचारे मतलब डिजेबल स्कूल जाते हैं, जो नॉर्मली रीड नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा नहीं कि गॉड को उनसे दुश्मनी है, वो तो तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए, ताकि तुम गॉड को थैंक्स बोलो। उनको भी गॉड ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। देखो कोई तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि उसको ये क्वालिटी उसके अंदर कम है, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसकी जगह गॉड ने उसको दूसरी कौन सी क्वालिटी में आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो हमेशा बी ग्रेटफुल टू गॉड, हमेशा थैंकफुल रहो गॉड के। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल। लास्ट, द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड हिमसेल्फ। पुली में, ये पोयम में बताया गया है कि गॉड अपनी तरफ कैसे खींचते हैं इंसानों को। देखो जहाँ जहाँ गॉड के लिए एच है ना, हिम ही, वो कैपिटल है, ठीक है, ही हिम, तो ये ध्यान रखना। गॉड के लिए जहाँ भी ही हिम लिखा जाएगा वो कैपिटल लिखा जाएगा, या गॉड का जी हर जगह तुम्हें कैपिटल मिलेगा। तो वाइल राइटिंग आंसर डोंट पुट स्मॉल, देखो बीच में कहीं भी कैपिटल नहीं लिख सकते, लेकिन जो गॉड के लिए लिखा गया है वो कैपिटल ही रहेगा। आकर स्मॉल में लिखोगे तो हाफ मार्क कैंसिल होगा, ठीक है। तो पुली में बताया गया क्या कि गॉड अपनी तरफ कैसे खींचते हैं, ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब पुली में कैसा होल्ड करके रखे, गॉड ने कैसा बिट होल्ड किए, बाय रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मीनिंग मैंने बताया, सुकून नहीं है, रेस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस। व्हाट इज दिस पोयम में जो सबसे अलग सी मेटाफिजिकल चीज है वो क्या है, रिलीजियस नोटेशन को सेक्युलर साइंटिफिक इमेज से बताया गया है। धार्मिक सिंबल्स को, धार्मिक चीजों को साइंटिफिक इमेजेस से जोड़ा गया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। देखो इंट्रोडक्शन इसके लिए करते हैं क्योंकि अप्रिसिएशन में इंट्रोडक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं, जैसे पोएट का नाम आता है, एक और सेंटेंस आता है, फिर लास्ट जो थीम ऑफ पोयम है वो इंट्रोडक्शन में ही रहता है पूरा, लास्ट पैरा, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया होता है लास्ट में रहता है। इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन को हर पोयम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो वीडियो स्किप करके मत देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है, देखना है तो पूरा देखो, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है, कोई वो नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो इट्स ऑन यू, शेयर कर दो अच्छा रहेगा, वो भी नहीं करना है मत करो, बट माय जॉब इज़ टू एक्सप्लेन यू, मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा भला हो, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। व्हेन गॉड हैड फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड्स बाय लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, ठीक है। जब गॉड ने सबसे पहले इंसान को बनाया, हाथ में क्या रखा, ग्लास, हाथ में क्या रखा, ग्लास, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं वैसा ग्लास, और उसमें क्या थी, ब्लेसिंग्स। जब गॉड ने पहले आदमी को बनाया तो हाथ में गॉड के, गॉड बाजू में, मतलब बाजू में गॉड थे जब पहले इंसान को बनाया, तो गॉड बाजू में ग्लास लेकर थे, ठीक है, ग्लास लेकर खड़े थे स्टैंडिंग बाय, ठीक है, और ग्लास में क्या थी, ब्लेसिंग्स, तो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स थी, वरदानों का ग्लास। गॉड ने जब मैन को बनाया तो गॉड वरदानों का, हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो नियामतों का, इंग्लिश में ब्लेसिंग्स का ग्लास लेकर गॉड खड़े थे, ठीक है। और गॉड ने क्या बोला, चलो इस पे सब डालता हूँ, चलो इस पे अपने सारे वरदान डालता हूँ, मतलब इसको सारे वरदान देता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। लेट द वर्ल्ड रिचेस विच डिस्पर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन, और पूरी दुनिया की जो नियामतें हैं, पूरी दुनिया का जो वेल्थ है, रिचेस मतलब वेल्थ, नियामतें या पूरी दुनिया के जो वरदान हैं, जो गिफ्ट्स है पूरी दुनिया में, जो भलाइयां हैं, रिचीज मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है, वेल्थ मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज में पैसा बोलते हैं, भलाइयां, पूरी दुनिया में जितनी भी भलाइयां हैं, जितनी जितनी अच्छी आराम की चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ये वर्ड कन्वे कर रहे हैं, मतलब दुनिया में जितना भी गुड थिंग, जितना भी आदमी एक्वायर करने चाहता है, ठीक है, वेल्थ, ठीक है, यहाँ पे वेल्थ दिया है, रिचेस का मतलब वेल्थ ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिचेस मतलब उसके, उसको जो भी दुनिया में भले के लिए, उसके फायदे के लिए हो, वो सब उस पे डालते हैं। विच डिस्पर्स लाइज, जो दुनिया में फैला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन, गॉड ने कहा चलो इस पे पोर करता हूँ, ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ, दुनिया की सारी नियामतें, दुनिया के सारे वरदान, सारी ब्लेसिंग्स जो फैली हुई है वो एक ही जगह जमा करके इसको थोड़ी जगह में ही दे देता हूँ, मतलब एक साथ दे देता हूँ, जो दुनिया में फैली हुई है, जो डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड, फैली हुई,
कॉन्ट्रैक्ट जमा होना, इनटू स्पैन एक जगह, ठीक है, स्पैन स्पेस में, समझा। देखो पोयम में एक एक लाइन बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स रहती है, एक एक लाइन का बड़ा बड़ा मीनिंग्स रहता है, मतलब एक शॉर्ट लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, सो तो क्योंकि इसमें तुम्हें दिख रहा नहीं है कि डिस्पर्स लाए सर बोल रहे कुछ और है, वर्ड्स में कुछ और दिख रहा है क्योंकि मीनिंग वो है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, तो गॉड ने ग्लास पोर करना शुरू किया ब्लेसिंग का, सबसे पहले क्या आया स्ट्रेंथ, देन ब्यूटी, फिर क्या आया अपने बंदे पर, इंसान पर। जब गॉड ने सबसे पहला इंसान बनाया तो इंसान के ऊपर गॉड ने सारी ब्लेसिंग्स डालनी शुरू की, और सारी रिचेस, सारा वेल्थ, दुनिया में जितनी भी फायदे पहुंचाने वाली चीज़ें हैं सबको एक जगह जमा करके अपने अपने बंदे यानी मैन को देने लगा, ठीक है। सबसे पहले गॉड ने क्या डाला, सबसे पहले जब जैसी ग्लास पोर किया गॉड ने, सबसे पहले क्या आया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पुट किया बंदे पर, ताकत, फिर खूबसूरती ब्यूटी आई, उसके बाद विजडम आया, विजडम मतलब होशियारी, वाइजनेस, क्लेवरनेस, समझ, विजडम मतलब सोच समझने का, नॉलेज, नॉलेज, ये सब विजडम का मीनिंग है, नॉलेज एक्सपीरियंस, ये अपने बंदे पर डाला विजडम, ठीक है। मैंने थोड़ा जूम कर लिया है ताकि क्लियर रीडिंग हो। तो सबसे पहले गॉड ने स्ट्रेंथ डाला, फिर ब्यूटी दी, फिर विजडम, फिर ऑनर, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट, फिर प्लेजर, मज़ा, प्लेजर, मज़ा, प्लेजर मतलब खाना खाने प्लेजर आता है, देखो टेस्टी फूड खाओ, मम्मी अच्छा अच्छा फूड बनाती तो बहुत प्लेजर के साथ खाते, प्लेजर मतलब मज़ा आना, प्लेजर। When almost all was out, God made a stay. जब सब कुछ खत्म हो गया, खत्म होने जा रहा था, God रुक गए, God रुक गए, perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay. जब ग्लास पोर कर रहे थे God, जब ग्लास पोर कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें निकल के मैन पे आ गई, मतलब मैन को मिल गई, लेकिन लास्ट में God रुक गए और एक ही चीज़ बची। नोटिस, गॉड ने देखा एक चीज बच गई है सबसे नीचे, क्या थी वो चीज, रेस्ट, सुकून, आराम, ठीक है। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट गॉड मेड अ स्टे, गॉड रुक गए, प्रिसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम, उनके गॉड के पास जितने भी खजाने थे उसमें एक ही चीज बची, क्या बची अभी, रेस्ट, रेस्ट लास्ट में सबसे बॉटम में थी, ठीक है। प्रिसीविंग मतलब नोटिसिंग, फॉर आई शुड सेड ही, फॉर आई शुड गॉड ने कहा, सेड ही गॉड ने कहा, फॉर आई शुड बिस्टाउ द ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, ठीक है। गॉड ने कहा मुझे ये भी ज्वेल मतलब मुझे ये भी कीमती चीज, ज्वेल मतलब प्रेशियस चीज यानी रेस्ट बचा था, गॉड ने कहा मुझे ये भी इसके ऊपर डाल देना चाहिए, लेकिन आखिर मैंने, गॉड ने कहा अगर मैंने अपने बंदे पर ये गिफ्ट भी डाल दिया, ये प्रेशियस चीज़ भी डाल दी यानी रेस्ट भी अपने बच्चे बंदे को दे दिया, ही वुड अडोर माई गिफ्ट, तो वो मेरे गिफ्ट से प्यार करने लगेगा इंस्टेड ऑफ मी, और मुझे भूल जाएगा, वो मेरे गिफ्ट से प्यार करने लगेगा मुझसे नहीं, एंड रेस्ट इन नेचर, और नेचर में हमेशा सुकून से रहेगा और मुझे भूल जाएगा, मुझे पूछेगा भी नहीं, एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और नेचर में इंजॉय करेगा, नेचर में रेस्ट करेगा, नेचर को पूजेगा, लेकिन जो नेचर का गॉड है उसको पूजेगा नहीं। सो बोथ शुड लूज अ बी, इसकी वजह से दोनों का नुकसान होगा, गॉड का भी लॉस हुआ कि गॉड ने बंदे को सब दिया और बंदा गॉड को पूछ रहा ही नहीं है, बंदा गॉड को पूज रहा ही नहीं है, बंदा गॉड को याद ही नहीं कर रहा है, गॉड को लव ही नहीं कर रहा है, गॉड का नुकसान हुआ और बंदे का भी नुकसान होगा क्योंकि वो गलत चीज को पूज रहा है, जिस जो क्रिएटर है उसको छोड़कर क्रिएशन को पूछेगा। गॉड ने एक चीज रोक ली, रेस्ट, ठीक है, वरना गॉड ने क्या कहा, आखिर मैं उसको ये भी दे दूंगा तो वो मेरे क्रिएशन को पूजने लगेगा, नेचर को पूजेगा, नेचर की पूजा करेगा, मेरे को भूल जाएगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, ठीक है, और वो नेचर में खुश रहेगा और मुझे नहीं, ठीक है, और इससे दोनों का लॉस है, गॉड का भी और बंदे का भी। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, इसके लिए उसको सारा रहन दो, उसके पास सारे गिफ्ट, सारे ब्लेसिंग्स रहन दो, लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ राइपनिंग रेस्टलेसनेस, उसके पास सब रहन दो लेकिन वो रेस्टलेसनेस के साथ यानी बिना सुकून के, बिना आराम के, ठीक है। देखो एक आदमी करोड़पति है, एक आदमी के पास बंगलो है, कार्स है और बहुत सारे फार्म्स है और ये है, वो है, बहुत सारी प्रॉपर्टी,
फिर भी वो बैठ रहा नहीं सुकून से, वो सोच रहा है एक और होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक आदमी के पास दो फैक्ट्रीज है, तो भी वो दो फैक्ट्रीज है दो कार है, तो क्या कर रहा है मालूम, सोच रहा है दो और फैक्ट्री हो जाए चार हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो दो और फैक्ट्री के लिए मेहनत कर रहा है। एक कार है तो सोच रहा है दो होती तो अच्छा रहता है, दो कार है सोच रहा है चार होती तो अच्छा होता। मतलब उसको गॉड ने रेस्टलेसनेस नहीं दिया। गॉड ने क्या कहा, ठीक है ये एक चीज़, मतलब उसको सब कुछ दे दो लेकिन उसको रेस्टलेसनेस के साथ, मतलब बिना सुकून चैन आराम नहीं। लेट हिम बी रिच, उसको रिच होन दो, मतलब पैसे वाला होन दो, पावरफुल होन दो, एंड वेरी और थका हुआ होन दो। देखो अपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस में आते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच आता है, टोटोलॉजी सुना होगा, सॉरी टोटोलॉजी नहीं एंथीथिसिस, अपोजिट आइडियाज इन सेम सेंटेंस, और टोटोलॉजी मतलब सेम मीनिंग। ठीक है, तो लेट हिम रिच एंड वेरी, उसके पास सब कुछ रहने दो लेकिन थकना थकना चाहिए, वेरी मतलब टायर्ड थका हुआ हो, दैट एट लास्ट, क्योंकि लास्ट में जब थकेगा तो एट लास्ट, आखिर वो भलाई से नहीं आया मेरे पास, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, आखिर वो अच्छाई मतलब उसकी अच्छाई से मेरी तरफ ना पहुंचे, येट वेरीनेस तो थक कर आएगा, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, तो थक कर वो मेरे सीने पर आकर गिरेगा। ठीक है, टॉस मतलब पड़ना या चिमटना, ठीक है टॉस का मतलब होता है थ्रो फेंकना, तो थकावट उसको फेंकेगी मेरे चेस्ट पर, मतलब मेरे पास लाएगी, थ्रो हिम टू माई चेस्ट, ब्रेस्ट मतलब सॉरी ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब चेस्ट सीना, तो उसको थकावट मेरे सीने पर लाकर मारे फेंकेगी, यानी यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि थकावट से मेरे पास आएगा, थक कर हार कर मेरे पास आएगा, वेरी मतलब थक हारना, वेरीनेस थक हारना, थकना हारना। तो गॉड ने सब गिफ्ट दिए। देखो मैं एक शॉर्ट समरी बोलूँगा, वापस से स्टार्ट टू लास्ट एक बार डिस्कस करूँगा, क्योंकि पोयम में इतने इजी वर्ड नहीं है, लेकिन पोयम बहुत सिंपल है और बहुत बोलते हैं ना, बहुत हाइपर लैंग्वेज में तो है, बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज में तो है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल पोयम है। ठीक है, वापस से एक बार देखते हैं। गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, जब गॉड ने सबसे पहला इंसान को बनाया तो हाथ में ब्लेसिंग्स वरदानों का ग्लास लेकर बाजू में खड़े थे। ठीक है, और बोले लेट अस, सेड ही, ठीक चलो इस पे डालते हैं सब वरदान, सारे आशीर्वाद, सारे सारे वरदान, सारी नियामतें इस पे डालते हैं, नियामतें, और लेट द वर्ल्ड रिचेस विच डिस्पर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट इन टू स्पेंड, और पूरी दुनिया में जो भलाई है, जो वेल्थ है, पूरी दुनिया में जो चीज़ें, पूरी दुनिया में जो चीज़ें हैं इसके फायदे की, वो एक जगह इसको जमा करके दे देते हैं, जो फैली हुई है उसको जमा करके एक साथ एक वक्त में देते हैं, एक जगह पर देते हैं। तो गॉड ने स्टार्ट किया ब्लेसिंग डालने, सबसे पहले गॉड ने क्या, जैसे ही गॉड ने पोर किया ब्लेसिंग बंदे पर, सबसे पहले क्या आया, ताकत, फिर क्या आई, ब्यूटी, फिर क्या आया, विजडम, विजडम होशियारी, क्लेवरनेस वाइजनेस समझदारी, विजडम मतलब समझदारी, फिर ऑनर, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट, देखो सारे एनिमल्स में ह्यूमन इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एनिमल, आखिर ह्यूमन को देखो गॉड ने अमीबा से लेकर, अमीबा तो जरा वायरस से लेकर, वायरस वायरस से लेकर व्हेल फिश तक सारे ऑर्गेनिज्म गॉड ने बनाए। ठीक है, वायरस से लेकर, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देता हूँ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर गॉड ने व्हेल फिश तक, व्हेल फिश सबसे बड़ा एनिमल है अर्थ लैंड पर, ठीक है, पहले डायनासोर थे लेकिन अभी व्हेल फिश है, उसमें सबसे ज्यादा समझदार किसको बनाया, ऑनरेबल, सब में रिस्पेक्टेबल किसको बनाया, ठीक है, ह्यूमन को, तो गॉड ने उसको विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर भी आया, प्लेजर मजा, ठीक है, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब सब कुछ खत्म हो गया, गॉड मेड अ स्टे, जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया मतलब खत्म होने आया है, गॉड रुक गए नोटिस करते हुए, प्रेसिविंग मतलब नोटिस, ये नोटिस करते हुए कि एक ही चीज बची है उसमें, एक ही खजाना बचा है, ट्रेजर मतलब खजाना, वो क्या था, रेस्ट, रेस्ट बॉटम में बचा है, ग्लास के बॉटम में सिर्फ रेस्ट बचा है। ठीक है, फॉर इफ आई शुड, सेड ही, गॉड ने कहा अगर मैं उस पर यह भी चीज डाल दूंगा, अगर मैं उसको ये नियामत भी, ये वरदान भी दे दूंगा, आखिर मैं अपने बंदे को ये आशीर्वाद यानी ये नियामत, ठीक है, ये कृपा भी कर दूंगा उस पे, आखिर मैंने उसको रेस्ट भी दे दिया, तो वो मेरे गिफ्ट्स को प्यार करेगा, मुझे नहीं,
मतलब वो जो मेरे जो वरदान है उनसे बहुत प्यार करेगा और मुझसे नहीं, ठीक है। और वो नेचर में घुल जाएगा, नेचर में आराम से रह जाएगा और नेचर ऑफ गॉड को भूल जाएगा, जो नेचर जिसने बनाया वो नेचर को, अदर वर्ड में बोलूँ तो वो नेचर को पूजने लगेगा और नेचर को, नेचर के क्रिएटर को नहीं पूजेगा, नेचर की पूजा करने लगेगा और नेचर के क्रिएटर की पूजा नहीं करेगा, नेचर के क्रिएटर को भूल जाएगा। और इधर दोनों का नुकसान है, इधर बोथ शुड बी लूजर, यानी मतलब यहाँ पे सिर्फ बंदे का नुकसान नहीं है, यानी बंदा गलत डायरेक्शन में गॉड को भूल गया और चीज़ों में ही खुश है, चीज़ों में ही रह गया, ठीक है। तो इसमें वो मतलब गॉड को भूल जाएगा, अपने पैदा करने वाले को भूल जाएगा, अपने मालिक को भूल जाएगा और चीज़ों को, चीज़ों में ही रह जाएगा। तो चीज़ों में ही चीज़ें मतलब नेचर की चीज़ें, इसमें सिर्फ उसका लॉस नहीं है बल्कि गॉड का भी लॉस है, दोनों का लॉस होगा इसमें, ऐसा बोल रहे पोएट, ठीक है। येट लेट हिम कीप, इसके लिए उसको सब कुछ रहने दो, उसके पास जो भी उसको बिस्टाव किया गया है वो सब रहने दो, लेकिन बिना चैन के, बिना सुकून के, बिना आराम के, ठीक है। सब कुछ है उसके पास लेकिन उसको उसके भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि गॉड ने सुकून दिया ही नहीं, ठीक है। उसको उसको जितना चाहिए अमीर बनने दो लेकिन थकने दो, जितना चाहिए अमीर बनने दो लेकिन लास्ट में थकेगा, हारेगा, ठीक है। और जब एट लास्ट, लास्ट में जब भलाइयों की वजह से मेरे पास ना आएगा तो थक हार कर आकर मेरे मेरे गले लग जाएगा, मतलब थकना हारना, थक और हार कर मेरी तरफ जबरन फोर्सफुली आएगा और आकर मेरे ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट मतलब चेस्ट, मेरे सीने से लग जाएगा, ठीक है। मतलब गॉड अपने बंदे को अपनी तरफ खींचना चाहते, बुलाना चाहते, गॉड लव्स हिज चाइल्ड, गॉड अपने हर बंदे से, हर बच्चे से प्यार करते हैं। तो पोएट बता रहा है कि गॉड ने अपने हर बंदे को होल्ड करके रखा है, और होल्ड करके रखा है बाय रेस्ट, गॉड ने हर अपने हर बंदे को रेस्ट, रेस्ट नहीं दिया यानी रेस्टलेस रखा है, रेस्टलेस रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा गॉड की तरफ एट लास्ट जाता ही है, ठीक है, समझा। तो दुनिया का कितना भी बड़ा समझदार और रिच आदमी रहें दो, एट लास्ट वो गॉड की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो होल्ड करके रखना है इसको बोलते हैं पुली, गॉड ने जो होल्ड करके रखा है, जो गॉड ने पकड़ रखी है, ग्रिप रखी है, जिसकी वजह से गॉड बंदे को अपनी तरफ खींचते हैं, इसी को कहते हैं पुली। ऑलराइट, अब मैं अप्रिसिएशन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वीडियो में अप्रिसिएशन नहीं लिख के बता रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आई होप तुम लोग को अप्रिसिएशन लिखने आ गया होगा, तो डिस्कस कर रहा हूँ। अप्रिसिएशन में पांच क्वेश्चंस आते हैं फॉर 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन हाफ मार्क का रहता है, नेम ऑफ द पोयम, तो क्या है नेम ऑफ द पोयम, लिखना है द पुली। सेकेंड क्वेश्चन भी हाफ मार्क के रहता है, नेम ऑफ द पोएट, तो हम लोग नेम ऑफ द पोएट लिखेंगे, जॉन हेब। नेम ऑफ द पोयम हाफ मार्क्स, नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्क्स, तो पोएट के साथ थोड़ा सा ऐड कर देने का, वेल्स पोएट है मतलब वेल्स कंट्री को बिलोंग करता है एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहता है फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी थर्ड क्वेश्चन रहता है राइमिंग स्कीम, तो पोयम में क्या राइमिंग वर्ड है, क्या राइमिंग स्कीम है, या फ्री वर्सेज में पोयम है या रिथम में पोयम है, वो लिखना है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा ज़्यादा, ज़्यादातर इसमें मुझे तो इन्वर्जन दिख रहे हैं, इन्वर्जन, वर्ड्स आर नॉट अरेंज इन प्रॉपर प्रोज ऑर्डर, सेडी, ही सेड आएगा तो सेडी लिखा है देखो, ठीक है। तो ये भी हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, ठीक है, तो ये इन्वर्जन में, तो प्रॉपर प्रोज ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच के बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो वो तुम्हें ये पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स के लिए आता है, उसको 2 या 3 सेंटेंस में लिखना पड़ता है, सेंट्रल आइडिया कम्स फॉर 2 to 3 मार्क्स, तो उसको 2 या 3 सेंटेंसेस में लिखना पड़ता है। और बाकी फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क्स के लिए आता है, तो एक फिगर ऑफ स्पीच लिख के, मतलब बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को नेम करना है और एक एग्जाम्पल देना है, हो गया। और राइमिंग स्कीम 1 मार्क के लिए आता है कि पोयम में राइमिंग स्कीम क्या है, तो वो 1 मार्क के लिए लिखना है। पोएट का नाम 1/2 मार्क्स के लिए, पोयम का नाम 1/2 मार्क्स के लिए। ऑल राइट, आई होप समझा। मैं वीडियो के एंड में या स्टार्ट में पुली अटैच करूंगा, हाउ डज पुली लुक्स। पोयम समझा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मेरे चैनल में, सारे सारे इंग्लिश के पोयम, इसके आगे के जितने भी इंग्लिश पोयम हैं और दूसरे सब्जेक्ट, एल्जिब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, उसमें सब अलग अलग सेक्शन में प्रॉपर ऑर्डर में रखा है,
तो किसी का मिस हुआ है कुछ तो वहाँ पर चैनल लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं वीडियो, या किसी ने मिस किया या फिर उस न्यू है, न्यू कमर है, उसको देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है सारे वीडियोस। ऑलराइट, थैंक यू।